आप लोग थोड़ी सी लग रहा होगा कि मैं भी थोड़ा सा सियासतदान हूँ, वोट मांगने जा रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं। आज मैंने ड्रेसिंग जो है वो थोड़ा पॉलिटिकल डे के हिसाब से की है। सो आज है 8 फरवरी, इलेक्शन का दिन, और हम लोग जा रहे हैं वोट डालने के लिए। हेमंत का भी टाइम था रेडी होने में, तो मैंने सोचा कि मैं अपना कॉपी खरीदा पहले ही जो है वो अदा करके आ जाऊँ। सो अभी हम हैं रास्ते में, पीछे मेरे अब्बू की गाड़ी आ रही है और हम लोग जा रहे हैं वोट डालने। हमारा वोट है NA 236 में, और हमारा इंतखाबी निशान है PTI के कैंडिडेट का ब्रिंजल, मतलब पैगन। सियासी कैंप नहीं लगा हुआ, कोई सियासी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, हम ही चल रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। तो अभी इस वक्त हम लोग आ चुके हैं अपने पोलिंग स्टेशन, और रश बता रहा है कि टर्न आउट जो है वो ज़्यादा होने वाला है आज। आगे तक लाइन लगी हुई गाड़ियों की। अच्छा, भाई फुल खेमा खेमी है, अबू अंदर है, अंदर अंदर। जी गाइस, सो वोट हम दे चुके हैं और ठप्पा लगा चुके हैं जिसकी हमारा कैंडिडेट था उसको। और इस दफ़ा आई थिंक टर्नआउट बहुत ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज इस पोलिंग स्टेशन में मेरा आई थिंक ये 3rd या 4th टाइम मैं इस पोलिंग स्टेशन में वोट डाल रहा हूँ, और आज तक मैंने कभी इतनी आवाम नहीं देखी जितनी आवाम ही आवाम है, बहुत लोग हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, शाम 5 बजे के बाद रिजल्ट आएंगे। तो अभी मैंने वोट डाल दिया, अब मैं जा रहा हूँ घर एमन को लेकर आ। अच्छा, मैंने वोट डाल दिया, अभी मैं जा रहा हूँ घर, जाके एमन को लेकर आता हूँ और उसका वोट डलवाता हूँ। भाई बहुत रश है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सिक्योरिटी है और हर चीज़ बहुत तरीके से हो रही है, हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज है। उस तरह वाला काम नहीं है जिस तरह रिवायती होता था पहले कि हर लोग दूसरे, बहुत तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। सो पुलिस का बड़ा एफर्ट है, सिंध पुलिस का। तकरीबन 4 से 5 इलेक्शन बल्दियाती वगैरह मिला के मैंने अटेंड किए, लेकिन ये जो आज इलेक्शन हो रहा है ना 2024 वाला, यार हमारी पाकिस्तान की आवाम को सलाम है भाई। जिस तरीके से लोग निकले हुए हैं, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि इतने लोग, इतना रश किसी पोलिंग स्टेशन में हो। अल्लाह खैर करे, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा काम करे, वही पावर में आए, जो हम सबको पता है कि कौन है। जी दोस्तों, शाम के पूरे पूरे 5 बज चुके हैं और वोटिंग का अमल जो है वह मुकम्मल हो चुका है। आई थिंक कुछ पोलिंग सेशंस में जो है वो उन्होंने एक्सटेंड किया टाइम, लेकिन हमारी तरफ जो है वो टाइम पूरा हो चुका है, वोट्स डल चुके हैं, और इतना टर्नआउट, यार सलाम है पाकिस्तानी अवाम को, सल्यूट है भाई, दोनों हाथों से आप लोगों को सल्यूट है। जिस तरह लोग निकले हैं यार, ज़बरदस्त। अब देखते हैं, 2-3 घंटे बाद रिजल्ट आना शुरू होंगे, देखते हैं भाई कौन जीता, कौन आएगा इक्तदार में, कौन चलाएगा मुल्क। सो लेट्स सी। हाँ भाई, बॉयज़ क्या अपडेट है? अपडेट्स कुछ इस तरीके से हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई रेस के अंदर है, मतलब अभी एक हमारे पास रिजल्ट आया, उसमें कोई 240 समथिंग जो है वो बैगन के वोट हैं, और सेकंड रनर्स अप जो है वो 49 के ऊपर है। अच्छा, इतना डिफरेंस है, कोई रेस में है ही नहीं कोई, मतलब। अरे वाह वाह, जबरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो। 506 वोट पड़े और जमाते इस्लामी को सिर्फ पड़े 94। अस्सलाम वालेकुम, अपडेट ये है कि हम लोग काफी जगहों से जीत गए और यहाँ से हमारा जमात इस्लामी चल रहा है। अच्छा। जबकि इन्होंने 9 बुकें हमारी छुपा दी थी। अच्छा। जिसमें 9 बुकों में हमारे पड़े ही नहीं वोट, चले गए वोटर वापसी। ओ खैर, मगर तब भी अल्हम्दुलिल्लाह लीडर जीतेंगे इंशाल्लाह। कप्तान ने कहा था कि खाली वोट नहीं देना, वोट पे पहरा भी देना है, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक पहरा दे के दिखा रहे और बैठे हैं। जीत गया, PTI जीत गया, माशाल्लाह। बैंगन ने जोर दिखाया। अब रहता है ये अंदर, ठीक है ना, थोड़ा आप अंदर जाए।
फायरिंग हो रही है। चलो भाई तुम्हारा भाई मेरा भाई।